फूल लगते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे पौधे जिसमें क्या होते हैं, फूल लगते हैं, वैसे पादप को या वैसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोले, एंजियोस्पर्म बोले। और ये प्लांट डिवीजन का सबसे लास्ट मेंबर्स एंजियोस्पर्म, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो है ये लास्ट वाला ने पुष्पी पौधों की बाह्य आकार के। अब देखे यहाँ मॉर्फो, मॉर्फो मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल शेप एंड साइज। क्या होता है? एक्सटर्नल शेप एंड साइज, एक्सटर्नल शेप एंड साइज। कहने का मतलब क्या कि हम लोग इसमें जो क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म के केस में, पौधों के केस में हम लोग क्या करेंगे, उनकी बाह्य आकृति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट्स कैसे हैं, उनके रूट्स कैसे हैं, इनके स्टेम कैसे हैं, इनके लीफ कैसे हैं, इनमें जो है लगने वाले जो है फ्रूट्स और उसके अंदर पाए जाने वाले सीड कैसे हैं। ठीक है, तो पुष्पी पौधों की बाह्य आकार की हम लोग थैलोफाइट्स के बारे में नहीं बल्कि हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे कि वैसे पौधे जो क्या हैं, विकसित हैं, हाईली एडवांस है, उसमें क्या किस तरह का क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर्स होता है, उसमें कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं, किस रूप में, बाहरी तौर पर, बाहरी आकार पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ कि हम लोगों का जो प्लांट्स है वो प्लांट्स क्या है, स्वपोषी। स्वपोषी क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल रखते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं जिसको क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। और क्लोरोफिल है दैट मीन्स कि क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे, नहीं क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटो सिंथेसिस करने वाले हैं ये, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, क्या होता है, तो सुनिए, हरे पौधे क्या करते हैं, जल जड़ से मिट्टी के द्वारा जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। दैट मीन्स क्या चीज हम लोग कह सकते हैं, और पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2+12H2O, उसके बाद C6H12O6, अब देखिए ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, किस गैस है, ये क्या है, जल है, खनिज लवण। उसके बाद ये आपके क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जलवाष्प, उसके बाद ऑक्सीजन, ये किस रूप में, गैस रूप में, यहाँ लिखा हुआ ये एरो क्या बताता है कि बाय प्रोडक्ट्स के रूप में जो है, किसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, रिएक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिकारक। और इधर जो आपका है क्या है, प्रतिफल। और इसमें क्या चीज इन्वॉल्व है आपके, क्या चीज आपका, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन्हीं की मौजूदगी में हमारे हरे पौधे मिट्टी से या जमीन से, किसकी सहायता से, जड़ की सहायता से, और जड़ में पाए जाते हैं आपके रूट हेयर्स, मूल रोम, और उनके सहायता से क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं जल तथा खनिज लवण का, और पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए। फिर आज ये क्या चीज कि यह होता है किसमें, हरी पत्तियों में होता है और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में। बनाते क्या है, तो ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जलवाष्प के साथ साथ जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बाय प्रोडक्ट्स के रूप में, क्या बाय प्रोडक्ट्स के रूप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं। अब देखिए सीड जर्मिनेशन, यानी कि प्लांट्स जो है वो कहाँ से आने वाले हैं, सीड से आने वाले हैं। जब क्या होगा, बीज का अंकुरण होगा, क्या होगा, उसमें आएगा फेवरेबल कंडीशन में ना, अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, जब क्या देंगे हम लोग बीज को, अनुकूल परिस्थिति देंगे तो क्या आएंगे, सबसे पहले इस नेचर में दो
सिस्टम आएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक को बोलते हैं रेडिकल, दूसरे को क्या बोलते हैं प्लूमूल बोलते हैं, यानी कि रेडिकल हो गया, दूसरा हो गया प्लूमूल, यानी दो सिस्टम। पहला इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूलांकुर कहते हैं, क्या कहते हैं मूलांकुर, और इसको क्या बोलेंगे परांकुर बोलेंगे, यानी मूलांकुर और परांकुर क्या हुआ अंडर फेवरेबल कंडीशंस में, यानी क्या होता है सीड जर्मिनेशन के बाद एक आपके हिस्से रेडिकल और दूसरा क्या है प्लूमूल, और यही जो है भविष्य में क्या करेंगे, यानी कि आने वाले समय में ये जो आपके रूट रूट सिस्टम का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे रूट सिस्टम बनाएंगे, और ये क्या करेंगे सूट सिस्टम बनाएंगे, सूट सिस्टम इसी को हिंदी में कहते हैं जड़ तंत्र, या इसका दूसरा नाम मूल तंत्र, ठीक है, यहाँ आपके धर तंत्र तंत्र या दूसरा तना तंत्र, ठीक है। तो इस कंडीशंस में पौधों के कंडीशंस में हम लोग क्या देखते हैं, पौधों के कंडीशंस में क्या देखते हैं कि पौधों में दो तरह के सिस्टम होते हैं, कब जब जर्मिनेशन होता है सीड का, जब फेवरेबल कंडीशंस देते हैं हम लोग उसको, तो क्या होता है दो सिस्टम बनते हैं, पहला है मूलांकुर दूसरा है परांकुर। मूलांकुर जड़ तंत्र या मूल तंत्र का निर्माण करते हैं, और आपके प्लूमूल सिस्टम जो हैं वो क्या करेंगे तना तंत्र या सूट सिस्टम का निर्माण करते हैं। और सूट सिस्टम में क्या होता है, आपके क्या लगने वाले हैं, पत्तियां लगने वाली हैं, कलियां लगने वाले हैं, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, और फल के अंदर पाए जाएंगे बीज। तो ज़्यादातर हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो आपके ज़मीन के बाहर रह रहे हैं, और एक हिस्सा जो ज़मीन के अंदर रह रहा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं रूट सिस्टम कहते हैं या जड़ तंत्र कहते हैं। और एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये इनका जो ओरिजिनेशन हो रहा है रेडिकल से हो रहा है, मूलांकुर से हो रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग इसको परिभाषा करना होगा, जड़ का डिफिनेशन करेंगे तो हम लोग वहाँ पर क्या कहेंगे कि जड़ का जो जन्म होता है वह कहाँ से होता है, बीज के मूलांकुर से होता है, और ये पौधे के ही एक हिस्से हैं, पौधे के कक्ष, कक्ष मतलब क्या होता है पार्ट्स या हिस्सा, जड़ तंत्र या जड़ जो है पौधे के कक्ष का एक ऐसा हिस्सा जिसका जन्म कहाँ से होता है बीज के मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जड़ कहते हैं। और ये जड़ सामान्यतः भूमि के अंदर होते हैं, और इनका मुख्य काम जो होता है वह जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना होता है। होता क्या है कि जैसे ही आप क्या कीजिएगा जमीन से अलग कीजिएगा किसी छोटे या बड़े रूट सिस्टम को, तो हम लोग क्या देखते हैं उस रूट सिस्टम में क्या क्लोरोफिल होता है, नहीं होता है, ये हरे नहीं ना होते हैं, ये आपको मटमैले रंगों के उजले कलर के आपको मिल सकते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर भी क्या होते हैं ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज मतलब शाखाएँ होती हैं, और इसलिए भी क्योंकि रूट सिस्टम जो है इन सूट सिस्टम को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करता है। दैट मीन्स कि अगर आपके जड़ तंत्र ना हो तो तना तंत्र को सपोर्ट कैसे मिलेगा, वो आपके मिट्टी से कैसे जुड़े रह पाएंगे, है ना। तो स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करता है किनको, इन सूट सिस्टम को करता है। अगर जड़ ही ना रहे हैं तो पौधे को संभालने वाला कोई नहीं है, है नहीं ना, है तो रूट सिस्टम क्या करता है पौधे को संभाले रखता है, रखता है ना। तो मेन फंक्शंस में आपका क्या है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करना, पौधे को क्या करना संभाले रखना, दूसरा क्या जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करके सूट सिस्टम को देना, ये क्या है प्राइमरी फंक्शंस हैं जिसको हम लोग प्राथमिक कार्य कहते हैं, किसके रूट सिस्टम के, जड़ के प्राइमरी कार्य में आप दो कार्य बता सकते हैं। पहला जो है पौधे को संभाले रखना, दैट मीन्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करना, और दूसरा है वह सूट सिस्टम को क्या करना जल तथा खनिज लवण यानी कि वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करना, ताकि वो क्या कर सके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके। अब देखिए तो कितने सिस्टम, एक जड़ तंत्र दूसरा तना तंत्र, इसमें क्लोरोफिल है या नहीं है तो नहीं है, रूट सिस्टम में क्लोरोफिल नहीं है, तो कैसे हैं
ये क्या है? सफेद तथा मटमैले कलर के हैं, ठीक है, मटमैले रंगों की होती है। दूसरा कि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल का अभाव होता है। और जैसे हम लोग क्या देखते हैं, रूट सिस्टम में गांठ होता है ना, उस तरह से आपके रूट सिस्टम में गांठ नुमा संरचना नहीं होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट सिस्टम में क्या होता है? पर्व तथा पर्वसंधि, अनुपस्थित होते हैं। इसका मेन काम, इसका जो है प्रिंसिपल फंक्शन, प्राथमिक कार्य क्या होता है बोलिए? अवशोषण करके किसको देना? तना तंत्र को देना, यानी कि सूट सिस्टम को देना, सूट सिस्टम को उपलब्ध कराना। किसका काम? जड़ का काम। अब देखिए, हम लोग को तो ये पता चल गया क्या चीज, कि जड़ का जो प्राइमरी फंक्शंस है, प्राथमिक कार्य है, वो क्या है? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करना। और दूसरा क्या है? जल तथा खनिज लवण अवशोषण करके सूट सिस्टम को देना। अब देखिए क्या करता है ये, कि रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम जड़ तंत्र का काम ये है, और उनके अलावे अगर जड़ क्या करें, दूसरे काम करने लगे, जड़ अगर क्या करें, दूसरे कार्य करने लगे, जैसे कि भोजन का संग्रह करने लगे, क्या हो, पौधे को सहारा प्रदान करने लगे, ब्रांचेस को ये सपोर्ट दे, ठीक है, तो इस हाँ डिस्पायरेशंस करने लगे, श्वसन करने लगे, तो क्या होगा? आकार में, आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा? आकार आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूपांतरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और रूपांतरण। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट सिस्टम, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि जड़ जो सामान्य रूप से भूमि के अंदर होते हैं, और वह क्या करता है? सूट सिस्टम को स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रदान करता है। मतलब कि जड़ जो है आपके, वह पौधे को संभाले रखता है। इनके अलावे आपके रूट सिस्टम किसको? तना तंत्र को जल तथा खनिज लवण उपलब्ध करा करके देते हैं। ये क्या है? इनका प्राइमरी वर्क है, प्राइमरी फंक्शंस हैं, है ना। अब क्या है, इनके अलावे अगर क्या करें, रूट सिस्टम जो है, यानी जड़ जो है, अलग अलग कार्य करने लगे, अलग अलग कार्य, मतलब भोजन संग्रह करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, रिस्पायरेशंस करेंगे, आपके सपोर्ट सिस्टम्स करेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो अगर ये सब करेंगे तो आकार में परिवर्तन होता है, जिस वजह से इनका जो क्या है, रूप है ना, रूप मुख्य रूप से जो रूट सिस्टम है, इनका आकार किस तरह से है, इनका क्या हो जाएगा, आकार भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाएंगे। तो इन्हीं मॉडिफिकेशन, इनका जो क्या है, रूप में परिवर्तन हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रूपांतरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूपांतरण। रूपांतरण पूछेगा कि क्या है, तो क्या बोलिएगा, कि बोलना है कि जड़ जो है अपने प्रिंसिपल कार्य को छोड़ करके, मुख्य कार्य को छोड़ करके अन्य दूसरे कार्य करने लगते हैं, तो इसी वजह से काम बदला तो रूप बदलेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। तो जड़ सामान्यतः जो है इस तरह के होते हैं, टिपिकल रूट्स, जिसमें आपके क्या है, प्राइमरी रूट सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़। इससे जो निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रूट। अब इससे जो निकलेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्सरी रूट। क्या बोलेंगे? टर्सरी रूट। हिंदी में बोले तो प्राथमिक जड़। क्या बोले? प्राथमिक जड़। इसको द्वितीयक जड़। क्या बोले? द्वितीयक जड़। और इसको क्या बोले? तृतीयक जड़। तृतीयक जड़। तो अगर देखिए यहां शो कर रहा है कि रेडिकल से अगर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, तो वह कैसा होगा? प्राइमरी रूट सिस्टम होगा। क्या होगा? प्राइमरी रूट सिस्टम होगा। और इनसे जो ब्रांचेज निकल लेंगे उसको हम लोग सेकेंडरी रूट सिस्टम, और देन क्या होगा, अगर ब्रांचेज होगा तो टर्सरी रूट सिस्टम होगा। तो हम लोग जो मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, वो क्या चीज़ होता है? मूली, गाजर, शलजम, ये सब क्या है? आपके प्राइमरी रूट सिस्टम है।
आप वहाँ भी देखिएगा कुछ छोटा छोटा जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, जिसको हम लोग बाद में उखाड़ के फेंकते हैं। दैट मीन्स क्या चीज़, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांचेज होते हैं। तो प्राइमरी मूल में या प्राइमरी रूट में आपका जो मॉडिफिकेशंस है वो तीन है मॉडिफिकेशन, आपके फ्यूजी फॉर्म है, नेपी फॉर्म है और क्वनिकल है। हिंदी में बोले तो तर्कुरूप मूल, दूसरा शंकुरूप मूल और आगे जो है वो है कुंभी रूप मूल। फ्यूजी फॉर्म जिसका बेस्ट एग्जाम्पल से आपके मूली, क्वनिकल शंकुरूप मूल के उदाहरण है आपके क्या चीज, गाजर और सलजम में बीट टर्निप, ये क्या है नेपी फॉर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं कुंभी रूप मूल। क्या बोलते हैं, कुंभी रूप मूल। तो किनके मॉडिफिकेशंस में, आपके टैप रूट में प्राइमरी रूट सिस्टम्स, ठीक है। ये तो पता चल गया, रेडिकल से होगा। अब रेडिकल से होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, जर कहेंगे। अगर नहीं होगा तो उसको अलग नाम देंगे, क्या नाम देंगे, अलग। तो उत्पत्ति जो होता है ना जर का, वो कहाँ से होगा, मूलांकुर से होगा। ये आपको हर हमेशा याद रखना है, रेडिकल यानी मूलांकुर से होगा। अगर पौधे के हिस्से कहाँ से आ रहे हैं, रेडिकल से आ रहे हैं, चाहे वो जमीन के अंदर रहे जमीन के बाहर रहे, हम लोग उसको रूट रूट ही बोलेंगे, जर बोलेंगे, चाहे वो कहीं भी रहे। लेकिन अगर जर्मिनेशन होगा तो उसको हम लोग मूल कहेंगे, जर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए जर कितने तरह के, दो तरह के, आधार रखेंगे ओरिजिन, क्या रखेंगे ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कि ये जर का जन्म जो है ना किससे होता है, तो किससे होगा, मूलांकुर से होगा। तो मूलांकुर से अगर होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दो हिस्से में बांटेंगे, कितने हिस्से में, दो हिस्से में, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम दो तरह के। पहला सिस्टम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और दूसरा क्या है, एडवेंटिटस रूट, इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूसलाजर, क्या कहते हैं, मूसलाजर। और इसको क्या बोलेंगे, अपस्थनिक जर, क्या बोलेंगे, अपस्थनिक जर। यानी कि दो तरह के रूट, एक टैप रूट दूसरा एडवेंटिटस रूट। टैप रूट सिस्टम वैसे जर या जर का एक ऐसा प्रकार जिसका जन्म बीज के मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम्स कहते हैं। यानी कि टैप रूट सिस्टम इज अ टाइप ऑफ रूट सिस्टम विच जर्मिनेट्स डायरेक्टली थ्रू द रेडिकल, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, टैप रूट सिस्टम, यानी कि मूसलाजर। और दूसरा क्या है, एक्सेप्ट रेडिकल होगा, तो इस कंडीशंस में क्या बोलेंगे, एडवेंटिटस रूट बोलेंगे, अपस्थनिक जर बोलेंगे।